दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 को लॉन्च होने वाला है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर को चांद पर भेजा जाएगा। मतलब इस बार जो है ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत काम कर रहा है। इस मिशन का जो पर्पज है वही होगा जो चंद्रयान 2 का था, यानी कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के करीब लैंड होगा, जहां आज तक कोई भी देश इस जगह पर मिशन नहीं भेज पाया है। तो आप लोगों के मन में होगा कि चंद्रयान 3 जो है चांद पर जा क्यों रहा है, तो इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्या होगा, एक लैंडर और एक रोवर जो है चांद पर भेजा जाएगा, जो कि चांद के साउथ पोल पर भेजा जाएगा। इसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है अभी हमारा सही सलामत काम कर रहा है। और अगर इसरो द्वारा जो है सही से लैंड करा लिया जाता है, तो भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो खुद के दम पर जो है चांद पर लैंड करने वाला देश होगा। वहां पर जो है वाटर, आइस, मीथेन, अमोनिया, साथ में सिल्वर, सोडियम, मरकरी जैसे कई मेटल्स मौजूद हैं, और काफी ऐसी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इसरो द्वारा इन सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस जगह पे जो है लैंडर के साथ एक रोवर भी भेजा जाएगा, जो इसकी जो है बहुत बारीकी से जांच करेगा। तो अब बात करते हैं चंद्रयान 3 को भेजने का पर्पस क्या है, हमारा मिशन क्या है। तो पिछली बार चंद्रयान 2 को भेजा गया था, तो जो उसका मिशन था चांद के साउथ पोल पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराना, तो इस बार हमारा जुलाई 2023 का महीना जो है हमारे देश के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट हमें चंद्रयान 2 के टाइम पे हाथ में लगी थी, तो 13 जुलाई को हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग ये मिशन जो है बहुत अच्छी तरह से लॉन्च करेंगे और सक्सेस होंगे, जिसके अंदर हम लोग चांद के सरफेस पर रोवर चलाने की कोशिश करेंगे। इसरो द्वारा जो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ये उद्देश्य पहला हमारा है कि लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। पिछली बार जो है लैंडिंग कराते समय सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण जो है ये लैंडिंग फेल हो गई थी, तो इस बार जो है इसरो का पहला मिशन यही है कि सबसे पहले सिक्योर और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। उसके बाद जो है सेकेंड इनका मिशन है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। मतलब विचरण क्षमताएं, विचरण क्षमता मतलब रेंज कैपेसिटी, रोवर की रेंज कैपेसिटी। और इनका तीसरा उद्देश्य है कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझा जाए, उसकी बनावट को, और वहां पर किस तरह का जीवन हो सकता है उसके बारे में समझा जाए। तो उसके लिए चंद्रमा पे जो भी रासायनिक पदार्थ या प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि जो भी मिलेगा उस पर जो है रिसर्च के लिए, तो उस पर रिसर्च के लिए उसके सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की फंडिंग की। आपको पता है आदि पुरुष मूवी लगभग 700 करोड़ में बनी है, और हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन जो है 615 करोड़ में पूरा होगा। इसको जो है 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिसंबर 2019 में ये बताया गया कि इसरो ने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती फंडिंग 75 करोड़ रुपए जो है इसका 75 करोड़ का प्रपोजल दिया था, जिसमें 60 करोड़ रुपया जो है ये लोग इसकी मशीनरी, उपकरण और बाकी चीजों पे खर्च करेंगे, और जो 15 करोड़ रुपया है ये राजस्व व्यय के लिए मांगा गया था। तो टोटल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 615 करोड़ का बजट जो है इसके लिए डिसाइड किया गया था। तो इसरो द्वारा जो है लगातार कम बजट में अच्छे मिशन किए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए कि इसरो से जो है ये सीखना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये हमारा चंद्रयान 3 का जो है मॉडल है, इसको हम लोग कंपेयर करें अगर चंद्रयान 2 से, तो जिसमें जो है 5 800 न्यूटन इंजन थे और पांचवा जो है एक निश्चित थ्रस्ट के साथ सेंटर में लगाया गया था, और चंद्रयान 3 में जो है इसके लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त जो है चंद्रयान 3 लैंडर रेजर डॉपलर वेलोसिटी, इसके अलावा चंद्रयान जो है एलडीवी से भी लेस होगा। एलडीवी क्या होता है, लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर, इससे चंद्रयान 3 को लेस किया गया है इस बार। और चंद्रयान 2 की तुलना में जो है इम्पैक्ट लेग को बहुत मजबूत बनाया गया है, ताकि जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके, और किसी उपकरण में खराबी आती है तो उसका सामना अच्छे से किया जाए, तो उसके लिए इस बार जो है ज्यादा प्रिकॉशंस लिए गए हैं और अच्छे तरीके से। इसमें जो लैंडर और रोवर है ये चंद्रयान 2 के जैसा होगा, लेकिन इसमें जो है इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका जो प्रपोल्सन मॉडल है वो लैंडर और रोवर को कॉन्फ़िगरेशन करेगा तब तक जब तक ये अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर ऊंचाई तक चंद्रमा की कक्षा में ना पहुंच जाए। तो ये हमारा मॉडल है इस तरह का। और चांद की कक्षा से स्पेक्ट्रल तथा पोलारीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए ये सेफ पेलोड जो है लगाया गया है इस बार।
इसको जो है साथ में ले जाया जाएगा। इसका नाम है सेप। सेप का फुल फॉर्म होगा स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। तो ये जो है साथ में ले जाया जा रहा है इस बार। तो ये है चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी। इस बार जो है हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सक्सेस होंगे चंद्रयान 3 में और पूरी दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। जैसे जैसे इसकी जानकारी, ये PDF जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।